हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल उपचार नुस्खे में। दोस्तों, हम उपचार नुस्खे चैनल में रोज एक नया वीडियो अपडेट करते हैं। यदि आप इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल उपचार नुस्खे को सब्सक्राइब और लाइक करें। फ्रेंड्स, आज हम बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो है घड़ी और कैलेंडर। इस दिशा में लगाओगे तो हो जाओगे मालामाल। इस दिशा में लगे घड़ी और कैलेंडर बना सकते हैं आपको धनवान। भारतीय वास्तुशास्त्र में घड़ी तथा कैलेंडर को एक ही माना गया है। दोनों ही समय की गणना बताने वाली चीजें हैं, इसलिए उन्हें घर के हर किसी दीवार में नहीं टांगा जाता। वास्तु के अनुसार घर और ऑफिस में यदि घड़ी और कैलेंडर सही स्थान पर लगाए जाए तो इनके अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं। वहीं अगर वास्तु के नियमों के प्रतिकूल घड़ी कैलेंडर लगाए जाए तो इसके नुकसान भी उठाने पड़े हैं। घड़ी और कैलेंडर लगाते समय यदि इन नियमों का पालन किया जाए तो घर में रहने वालों की किस्मत बदलते देर नहीं लगती, उस घर में धन की कभी कमी नहीं होती। तो आइए जानते हैं वे कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे घड़ी और कैलेंडर की दिशा। घड़ी और कैलेंडर को हमेशा उत्तर पूर्व की दीवार में लगाना चाहिए और कभी भी घड़ी को दक्षिण की दिशा में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी गई है और यम को हिंदू शास्त्र में मृत्यु का देवता माना गया है। वास्तु के अनुसार दक्षिण दिशा समय बताने वाली चीजों के लिए अशुभ मानी गई है। खिड़की व दरवाजों के पास न लगाएं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो दरवाजे के पीछे या खिड़की के पास घड़ी या कैलेंडर को रखते हैं। ऐसा करने से उस परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए कभी भी कैलेंडर और घड़ी को दरवाजे के पास और खिड़की के पीछे नहीं लगाना चाहिए। सिरहाने से दूर रखें घड़ी। घड़ी के प्रयोग में यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार की घड़ी हो, उसे रात को सोते समय अपने सिरहाने से दूर ही रखें, क्योंकि रात को सन्नाटे में घड़ी की टिक टिक की आवाज से नींद में बाधा आती है। साथ ही आजकल घड़ियां इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांतों पर कार्य करती हैं और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकालते हैं वे मस्तिष्क और हृदय के आसपास नकारात्मक ऊर्जा क्षेत्र बना देते हैं। इसके प्रभाव में सोना आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। घड़ी अपने समय से पीछे न चले। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि घर की कोई भी घड़ी अपने समय से पीछे न चल रही हो। हो सके तो अपनी घड़ी का समय 10-5 मिनट आगे ही रख लो, क्योंकि वक्त के साथ चलने में ही जीवन की उन्नति और विकास का रहस्य छिपा है। घड़ी का शीशा टूटा व कैलेंडर फटा न हो। आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि घर की किसी भी घड़ी का शीशा टूटा न हो। यदि टूटा हुआ है तो तुरंत उसे बदल लेना चाहिए, क्योंकि इसका परिवार के सदस्यों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और ये भी ध्यान रहे कि आपके घर का कोई कैलेंडर फटा हुआ न हो और उस पर कोई हिंसक चित्र भी नहीं होने चाहिए। अधिक पुराने कैलेंडर भी घर में नहीं रखने चाहिए। बंद घड़ी। यदि आपके घर में बहुत दिनों से बंद घड़ी है तो उसे तुरंत हटा दें। वास्तु के अनुसार बंद घड़ी घर में आते हुए पैसों को रोकती है। सिरहाने वाली दीवार में फोटो फ्रेम न लगाएं। अपने बेड के सिरहाने वाली दीवार में घड़ी, फोटो फ्रेम, पोस्टर ये चीजें नहीं लगानी चाहिए, इससे सिरदर्द बना रहता है। अच्छा होगा यदि आप सामने वाली दीवार में ये चीजें लगाएं, इससे आपके मन की शांति बनी रहेगी। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल उपचार नुस्खे को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें।